इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। भाजपा के प्रत्याशियों का समर्थन मांगने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों पैसा भेजेंगे लेकिन अच्छा बोर्ड नहीं बनेगा, बंदरपाट हो जाएगा पैसे का सर। ऐसे ही बंदरपाट होगा जैसे सपा बसपा कांग्रेस का फेरडिक्शन विकास के पूरे पैसे में डकैती डाल देता था। आज तो डबल इंजन कि सरकार है तो पैसा भी मिल रहा है। महाराजगंज में लाखों लोगों को आवास मिला है, गरीबों को लाखों लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, लाखों लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए गए, लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है, हर घर को शुद्ध पेयजल की योजना से हर घर नल की योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए जब विकास की योजना में कोई भेदभाव नहीं। हमने प्रदेश में पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाए हैं, 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की योजना से स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया है, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों इसमें किसी की जाति नहीं देखी गई, किसी का मत और मजहब नहीं देखा गया, विकास सबका लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं, तुष्टिकरण भी किसी के साथ नहीं। सपा बसपा और कांग्रेस के लोग तुष्टिकरण करते थे, हमने तुष्टिकरण नहीं किया, हमने सशक्तिकरण किया। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अपने समय में युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे, हमने तमंचा नहीं, हमने युवा के हाथ में टैबलेट दिया है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट उपलब्ध करवा रहे हैं। यह टैबलेट हमारे युवा के टैलेंट को आगे बढ़ाने का, उसे टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। सपा बसपा के लोग, सपा बसपा कांग्रेस के समय में व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, हमने रंगदारी नहीं, हमने तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ स्ट्रीट वेंडर को, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले हर व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। सपा बसपा की सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय नगर कूड़े के ढेर होते थे, आज अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय योजना के अंतर्गत आज हमारे सिटी स्वच्छ और सुंदर दिख रहे हैं। उनकी सरकार के समय हमारे नगरों में सोदों का आतंक होता था, बहन बेटियों की इज्जत खबरे में रहती थी, आज हमारे शहर सुरक्षित हैं, सेफ सिटी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, महाराजगंज जनपद के अंदर ही अगर मैं देखो तो महाराजगंज जनपद के अंदर बहुत शीघ्र आपको मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी प्राप्त होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल नगरीय क्षेत्र में 23,700 से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिल गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 4,700 से अधिक ठेला खोमचा छोटे व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण मिला है। निराश्रित महिला पेंशन 39,240, दिव्यांगजन पेंशन 15,135, वृद्धावस्था पेंशन 1,16,765, इन सभी लोगों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों आयुष्मान भारत योजना में 9,65,974 गोल्डन कार्ड भी आपके महाराजगंज में उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 4 नगर पंचायतें परतावल, पनियरा, चौक और ब्रिजमनगंज का सृजन हुआ है और नगर पालिका परिषद महाराजगंज और आनंद नगर की सीमा का विस्तार भी ये राज्य सरकार ने किया है। भाइयों बहनों महाराजगंज में अमृत मिशन के अंतर्गत स्टेट सेक्टर से यहां पैसा स्वीकृत किया गया है और साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय
अंतर्गत 5 नगर निकायों को भी चयन किया गया है। भाइयों बहनों, विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हो रहा है। कैसा डबल इंजन की सरकारी देगी, कोई निर्दल या कोई अन्य दल का जीत के करेगा क्या? तब उसको कुछ कर ही नहीं पाना है। ये विकास का पैसा जमीन पर तब लगेगा जब बोर्ड फुल मेजोरिटी का हो, राज्य सरकार के द्वारा समय पे पैसा वहां पर आए, उस पैसे को समय पे जनता जनार्दन तक पहुंचाने का काम हो। अन्यथा भाइयों बहनों, ये त्रिशंकु की तरह जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहेगी। गलत लोग आ गए, पैसे का बंदर बांट करेंगे, जनता को कुछ नहीं मिलेगा और जनता गंदगी के ढेर में त्राही त्राही करने के लिए मजबूर होगी। उस प्रकार की कोई गलती नहीं करने की आवश्यकता है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। यहां पर पहले ही सिसुआ में चुनाव हो चुके हैं, हमारे सिसुआ के विधायक होंगे यहां प्रेम सागर पटेल, हमेशा आगे चलते हैं। और क्या पहले हो गया, तो अच्छा हुआ कि उन्होंने विधानसभा चुनाव पहले नहीं कराया, लेकिन उनके यहां सिसुआ में पहले वहां की नगर निकाय का चुनाव हो चुका है। लेकिन अब महाराजगंज जिला मुख्यालय की नगर पालिका है और नौतनवा में भी नगर पालिका है, बॉर्डर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, दो नगर पालिकाएं हैं, निस्मौल सुनौली, सुनौली एकदम बॉर्डर से जुड़ा हुआ, घुगली फरेंदा ब्रिजमानगंज चौक बरतावल पनियरा, ये नगर पंचायतें हैं। ये नगर पंचायत हम लोगों ने 4 नई स्केली गठित की जिससे लोगों का नगरीय जीवन के साथ संबंध बने और नगरीय जीवन की सुविधाएं लोगों को मिले। ये सुविधाएं देने के लिए किया गया है, इसलिए अच्छा बोर्ड बनाने की आवश्यकता है जिनका विकास में रुचि हो। एक सकारात्मक सहयोग के साथ प्रशासन और शासन के साथ तालमेल बिठा करके जो विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ सके। आज आप देखते होंगे चौक में जाइए, विकास के कार्य हो रहे हैं, दिखाई देता विकास कुछ हो रहा है। ये तो महाराजगंज से चौक पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगता था, 1 घंटा। आज आप जाएंगे यहां से 10 मिनट में, महाराजगंज मुख्यालय से 10 मिनट में आप चौक पहुंच जाएंगे। आप सोचिए 1 घंटे में, और वहां भी जब गाड़ी के टायर सुरक्षित रहता, इससे पहले भी होता था ना सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार के समय तो हाथी से जाना पड़ता था क्योंकि गाड़ी जा ही नहीं सकती थी, सड़क पे 2-2 फुट गड्ढे रहते थे। लेकिन आज महाराजगंज से 10 मिनट में चौक, और चौक अब ऐसे लगता ही नहीं कि ये चौक जो है कोई गांव हो, आज लगता है कि जैसे ये अभी एक जिला मुख्यालय जैसा ही अच्छा भव्य नगर के रूप में आज चौक बन गया है, बन रहा है। प्रतावल नई नगर पंचायत बनी है, कितनी अच्छी संभावना वहां पर है, 4 लेन के साथ जुड़ रहा है पूरा, और इसलिए नगर पंचायत में चेयरमैन भाजपा का बने। हुगली ढेर सारी संभावनाएं हुगली में है, एक लंबे समय तक मुझे सांसद के रूप में हुगली के कार्य को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय पैसा नहीं था लेकिन विकास किया जा सकता था, उस समय विकास की प्रक्रिया को जोड़ने का प्रयास हुआ था, लेकिन सरकारें सहयोग नहीं करती थी। आज तो सरकार कह रही है हम सहयोग देने को तैयार हैं, बोर्ड बनाइए अच्छा, और फुल मेजोरिटी का बोर्ड बना करके मकान गरीबों को मिले, हर घर में शौचालय मिले, सिटी सर्विलांस सिस्टम बने, लोगों को जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, ऑनलाइन नगर निगम नगर पंचायत नगर पालिका के अंदर ये सारी सुविधाओं में उपलब्ध हो जाए। कंप्यूटर में फीड किया, अपना सर्टिफिकेट निकाल लिया। अभी मैं आ रहा था, एक सज्जन मुझे बोले देखा हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, अब भी जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें भटकना पड़े।